हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज मैं आपके लेके आई हूँ क्विक एंड टेस्टी रेसिपी जो कि आप विंटर में बना सकते हैं। और ये देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चूरमा। और वो चूरमा जो है चीनी का नहीं, बूरा का नहीं, बल्कि आज मैं बनाऊंगी शक्कर का, जो कि बड़ी ही टेस्टी रेसिपी है। देखिए, मैंने जो है आटा ले लिया है, साथ में मैंने ले लिया है घी, ये ले ली है मैंने शक्कर, और ये मैंने ले लिया है सूखा आटा। अब मैं रेडी करूंगी चूरमे के लिए पराठा। जो नॉर्मल जो है, जैसे हम रोटी पराठा बनाते हैं, उसी तरीके से हमने जो है इसका डो तैयार किया है, बिल्कुल सॉफ्ट। और एज इट इज मैंने जो है रोटी की तरह ये ले लिया है। अब मैं इसको जो है तवे पर डाल दूं, और आप रोटी या पराठे दोनों से जो चूरमा रेडी कर सकते हैं। बट मैं यहाँ थोड़ा सा घी लगा के जो इसको पराठे की टेस्ट दूंगी। तो देखिए, हम दोनों तरफ से जो है पराठे को ऐसे ही रेडी कर लेंगे, हल्का का घी लगाकर, जैसे हम नॉर्मल पराठा तैयार करते हैं वैसे ही। तो देखिए, इसी तरीके से जो मैं सारे पराठे रेडी कर लूंगी। तो देखिए, सेकंड पराठा भी रेडी हो गया है ऐसे। देखिए गाइस, मैंने जो है सारे पराठे जो है रेडी कर लिए हैं, और जो मैंने जो है इसी में रख लिए हैं। अब मैं इसमें ऊपर से डालूंगी शक्कर। शक्कर जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देंगे कि आपको ज़्यादा मीठा करना है या कम। तो मैं जो है एक मेजरमेंट इसकी कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं दूंगी। और ये देखिए, इसमें जाएगा ये सारा घी। घी भी जो है आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे, ये आपको कम घी का पसंद है ज़्यादा। और बिलीव मी गाइस, ये जो है चूरमा बड़ा टेस्टी होने वाला है, तो आप ये ट्राई करें। ये देखिए, और मैं इनको सबको हाथ से ही मैशअप कर दूंगी। थोड़ा गर्म है, आपको जो है हल्का सा ठंडा होने के बाद, एक से दो मिनट के बाद जो है आपको इस तरीके से करना है। बिल्कुल ठंडा करके ये जो है चूरमा रेडी नहीं होगा, हल्का सा गर्म गर्म ही आपको जो है बनाने पड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है 5 से 7 मिनट लगेंगे चूरमा रेडी करने में। और आपको जो है खुले बर्तन का ही यूज़ करना है, छोटे बर्तन में जो है अच्छे से मैश नहीं होगा। और ये एक स्वीट रेसिपी है जो आप कभी भी बना के खा सकते हैं, जब आपका हल्का फुल्का मीठा खाने का मन हो। देखिए, और अगर आपको घर इसमें जो है घी कम लग रहा हो, तो आप इसमें बाद में भी घी डाल सकते हैं। देखिए, ये जो है इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है। और चूरमा मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और मैं इसके जो लड्डू रेडी कर लूँगी। देखिए, लग रहा है ना यम्मी यम्मी, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप गाइज, आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। देखिए, चूरमा जो है रेडी हो गया है, और मैं इसको करूँगी सर्व। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ड्राई फ्रूट्स का यूज़ इसमें नहीं किया है। तो ये देखिए गाइज, आई होप आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये देखिए, लग रहे हैं यम्मी यम्मी। फिर मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच।